मेरा वो चल रहा है MITF का क्या बोलते हैं तन्वी करके थी वो फालतू मेलन में एग्जैक्टली बस उसके बाजू में अपना पूरा Take your belongings along with you, like your bag, your safety gears, your helmets, everything. Yeah. Check. Thank you.
We have Vijay Jain, and I would like to hand over the mic to Vijay Jain and speak some few words about the event. Thank you. Good morning, everyone. I'm really sorry for the delay. It was unfortunate. I would request Mr. Ravi Chawla ji, MD Gulf, to come on stage. Please come on stage. जनरली हमने देखा है मोबाइल खरीदते हुए बजट अगर 30,000 होता होगा तो 20 का 25,000 30,000 भी खर्चने में हमें संकोच नहीं होता है. उस पर हम स्क्रीन गार्ड भी लगाते हैं, केस कवर भी डालते हैं और आजकल तो इंश्योरेंस भी आ गया है. की कीमत 100 रुपया 200 रुपया है क्या? आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वेयर हेलमेट राइट से रोशी मैम एंड अमित साध फॉर गिविंग द प्रेशियस टाइम and all of you for coming on this Sunday. Media hamari taraf se ichhami dugram thoda late ho gaya, it was unfortunate, sorry. Looking for a great event ahead. Hip hip hooray, hip hip hooray. I would request Mr. Ravi Chawla ji. Think the passion of Vijay is why we are here, one of the reasons. You know, I met him many years back and he was doing a college festival and he had Ride for Safety. And that time he spoke about helmets and the journey is continued. So thanks to all your support for Ride for Safety and of course what we spoke about, just an helmet and what we call today the Gulf helmet vaccine. We're trying to spread this vaccine so that everybody can, you know, take the helmet. And we'd like to thank of course the police authorities that who have been part of this. And of course Amitji and Uroshi ji for being here. You know, your presence only adds to send a message. And you know what you do on the screen and other places, it really is one. Okay, now I request Mr. Ravi Chawla ji to facilitate. Amit Sahab sir, come on here. Come on guys, make some noise, yaar. Kuch energy to dikhao. Yeah, this was better. Thank you sir, thank you very much. Last but not the least, Bhupen sir, I would request you to please facilitate Rani sir. Everyone, we need safety here, come on. Hello, yeah. Last time you didn't eat it, bro? I didn't eat it. I didn't eat it. It's Sunday, I'm up at 9 o'clock. I'm up at 6 o'clock. So, if you guys come to meet you, it's a little bit of a dragon. Hello? Okay, so, यार मैं एक एक्टर की कैपेसिटी से नहीं आया हूँ एंड बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया. मैं पुलिस यहाँ बैठी हुई है लेकिन मैं बता, मैं 14 साल की उम्र से बाइक चला रहा हूँ. सॉरी सर. यार मैं आपको ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ, आपको सबको सब कुछ पता है, राइट? यस राइट. तो करो ना यार. मैं एक छोटी सी कहानी सुना के जाऊंगा. इस कहानी ने मेरी लाइफ, मेरी राइडिंग, मेरी समझ, मेरा उत्साह बाइकिंग को लेके थोड़ा बदल दिया, बट फॉर गुड. मेरे एक दोस्त है गैरी, हिमाचल में. मुझे ऐसा लगता है कि वो इज वन ऑफ द बेस्ट राइडर्स इन द कंट्री. आई एम श्योर हम सबको लगता है हम बेस्ट हैं. और वो जिस तरह ऑफ रोडिंग में बाइक चलाता है, आप लोग ट्रैक पे नहीं चला पाएंगे. हम भी मैं भी उसका एक्सीडेंट हुआ, पता है क्यों? हाँ, हेलमेट नहीं पहना था. कैन यू इमेजिन, इंडिया का बेस्ट राइडर उसका एक्सीडेंट हो रहा है क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था. बहरहाल कहानी ये नहीं है. उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका सर टूटा, दो तीन हड्डियां टूटी, घर गया, अपने माँ बाप बहन भाई सबको परेशान किया. ठीक हो गया. 6 महीने बाद फोन आया, अरे हमें तू एक्टर है ना यार, वो अपने स्किन स्पेशलिस्ट का नंबर देना, फेस खराब हो गया, बहन की शादी. मैंने, अरे फेस पे क्या हो गया भाई आपके, आप तो ठीक हो गए थे, बाइक चलाते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ स्पीड ही करते हैं इस बार.
अरे नहीं यार, मैं ना बाइक के पीछे बैठा था, एक लड़का बाइक चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया, मेरा सर फट गया, फेस फट गया, आई हैव 6 इंजरीज ऑन माय फेस। ऐसे एक मिनट रिवाइंड, कहानी बताओ। कहानी ये थी कि जो बाइक चला रहा था उसने हेलमेट पहना था, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते हैं, बट ये उल्लू का पट्टा, सॉरी, इसने अभी भी हेलमेट नहीं पहना था। भाई सुधर जाओ, वी ऑल हैव हर्ड कार शेड ऑफ एक्सीडेंट्स, बाइक चलाते हैं एक्सीडेंट होते हैं। आई जस्ट होप दैट वो परसेंटेज जितना हम कम ला सकते हैं अपने प्रयास से, अपनी कोशिश से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो हम करते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको कहा, हम सबको मालूम है क्या करना है, किट पहनिए। अगर गर्मी है और आप कह रहे हो मैं किट नहीं, मुझे किट नहीं पहनी, तो बाइक मत चलाओ ना यार। बट अगर बाइक चला रहे हो तो किट पहन लो, क्योंकि आपकी हड्डियां जो है ना, वो मुझे भी गर्मी लग रही है यार, यू नो। बट आई थिंक इट्स अ रिस्पेक्ट, एंड इंडिया में बाइकिंग जिस तरह ग्रो कर रही है, मुझे लग रहा है पूरी दुनिया में ग्रो नहीं कर रही, यू नो। सो आई थिंक वी शुड फॉर्म अ ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड। You know, there's a beautiful cult in Pune called Bikernis. They're also doing a great job. So I just think, let's give a round of applause to all of us here. Whoa! And just pledge to ride with more responsibility, with more discipline. Then I think aur maza aayega. Bas mujhe itna hi kehna hai, thank you. God bless you. Ride safe and ride with passion. God bless. Thank you very much. We need these kinds of directions from you. And last but not the least, we have Ms. Urvashi Rautela. You guys are waiting for this, are you? Yeah. Oh, that's better. Thank you very much. Good morning, everyone. Morning. Okay. सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं यहाँ पे आई, और क्योंकि ये एक ऐसा cause है। मैं बहुत बड़ी biker नहीं हूँ, बट जो मेरी फेवरेट एक्टर्स हैं पहले मिस्टर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार सर, एवरीबडी हैज़ बीन सपोर्टिंग दिस कॉज। सब ही ये एक ऐसा कॉज है कि वो भी नहीं, बट हर कोई सपोर्ट करता है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, ऑलरेडी हमें सब कुछ बोल चुके हैं, बट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव राइट फॉर सेफ्टी, जो कि इज़ अमेजिंग कॉन्सेप्ट बाय मिस्टर विजय एंड द एंटायर टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप इस तरह के इनिशिएटिव्स रख रहे हो, एंड इन द एंड इट्स ऑल अबाउट योर सेफ्टी, आपकी लाइफ पे, लाइफ के ऊपर है ये सब कुछ। तो जो भी चीज़ें ड्राइविंग होती है, और कई सारी चीज़ें और भी होती है, स्पेशली ड्राइविंग, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपकी एक आपकी लाइफ का सवाल होता है, तो आप इस किस्म मजाक में मत लें इन सब चीज़ों को, और एक हेलमेट पहन के ड्राइव करें। एंड आई एम सो हैप्पी दैट टुडे विल बी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हेलमेट्स टू ऑल द पुलिस, यू नो, महाराष्ट्र पुलिस एंड टू ऑल द अदर पीपल। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बट ये सिंपल एंड शॉर्ट में बस ये बोलना चाहूँगी कि पहले का टाइम कुछ और था। आज विद द टाइम्स पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसमें जो अमाउंट और जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज हो चुके हैं। सो दिस इज़ द वेरी हाई टाइम कि हम सभी हेलमेट्स पहने, और अपने ही नहीं, बट हम ड्राइव कर रहे हैं अगर, हमारे जो पीछे बैठे हैं उनकी, और जो हमारे सामने बाकी लोग हैं उनकी भी रक्षा करने का कर्तव्य हम सभी का बनता है। सो राइड फॉर सेफ्टी टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू। मुझे मैम से एक ही शिकायत है, अगली बार ये भी गैर हेलमेट अपनी खुद की बाइक पे आएंगी। ताली। 300 किलो की, सॉरी, हाँ 800,000 केजीज की बाइक ये लेकर के आएंगे, तो आप बताइए कितने, आप कितने में, आप में से कितने लोग चला सकते हैं 1000 केजी की बाइक? या ऑल देयर आर बाइकर्स, आई नो बाइकर नहीं बनाएंगे, बाइकर नहीं, बाइकर नहीं, हाँ मैं बाइकर नहीं बनूंगी,